प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को 1500 के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। अब इसके बाद 500 और 2000 के नए नोट जारी हुए, लेकिन अब जानने माने अर्थशास्त्री और आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति कह रहे हैं कि इस नए 2000 नोट की जो नया नोट छपा है इसकी जो उम्र है वो ज्यादा नहीं है। सरकार 2000 के नोट को आगे चलकर बंद करेगी। उन्होंने ये भी कहा आने वाले समय में 2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा और 500 का नोट ही सबसे बड़ा नोट होगा। दावा यह भी है कि 2000 के नोट सरकार के इसलिए छापे गए हैं सरकार द्वारा ताकि नोटबंदी के बाद जो अर्थव्यवस्था में नोटों के गैप थे उसको जल्दी से जल्दी भरा जा सके। उन्होंने भी कहा कि सरकार छोटे नोटों पर ज्यादा भरोसा करती है। डीमोनेटाइजेशन के फैसले को फाइनेंशियल पोखरण बताते हुए गुरुमूर्ति ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा। जहां रियल एस्टेट की कीमतें घटेंगी तो वहीं लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। संघ ने विवेकानंद फाउंडेशन में गुरुमूर्ति अहम स्थान इनका है, इसलिए 2000 रुपए के नोट बंद होने को लेकर दिया गया इनका बयान काफी महत्वपूर्ण बयान बताया जा रहा है।